केंद्र सरकार द्वारा आज अपना बजट पेश किया गया है। बजट में इस बार हिमाचल के लिए अलग से कुछ नहीं मिला है। प्रदेश को सेब आयात शुल्क बढ़ाने के साथ रेलवे विस्तार की उम्मीद थी, लेकिन बजट में इसकी घोषणा न होने से कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नरेश चौहान ने केंद्र का बजट निराशाजनक करार दिया है और कहा कि इस बजट में ना तो महंगाई कम करने, ना ही हिमाचल के लिए कोई आर्थिक पैकेज देने और रेल विस्तार के लिए भी बजट का कोई प्रावधान नहीं है। प्रदेश में कोरोना के चलते पर्यटन कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया है। लोगों को उम्मीद थी कि इस बार बजट में पर्यटन कारोबार को पटरी पर लाने के लिए कोई बजट की घोषणा करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा सेब आयात शुल्क भी नहीं बढ़ाया गया, जबकि पीएम मोदी सहित अन्य नेताओं ने कई बार आयात शुल्क बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया। इसके अलावा किसानों के लिए कोई भी राहत नहीं दी है। इस बजट में बेरोजगारी, महंगाई, आम गरीब और कारोबारी के लिए कोई राहत नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दो बड़े नेता इस समय दिल्ली में हैं। जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री है, लेकिन हैरानी की बात है कि ये दोनों नेता भी हिमाचल के लिए बजट में घोषणाएं नहीं करवा पाए और ना ही कोई मदद दिला पाए हैं। देखिए, आज मुख्यमंत्री जी की बात करें, जेपी नड्डा जी की बात करें या अनुराग जी की बात करें, अगर अब हिमाचल की दृष्टि से एक बहुत बड़ी उम्मीद थी कि आज तीन तीन लोग अगर क्लेम कर रहे थे कि कुछ इस वक्त कोरोना के बाद लोगों को प्रदेश में कुछ राहत मिलने की आवश्यकता थी, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र था, चाहे वो एप्पल इंडस्ट्री थी, बागवानों की बात थी, किसानों की बात थी, या डेवलपमेंट की दृष्टि से रेलवे को आगे विस्तार की बात थी या एयरपोर्ट्स बनने की बात थी, तो किसी भी तरह से कोई स्पेसिफिक हिमाचल के बारे में कोई घोषणा इस बजट में नहीं दिखी है। तो हिमाचल की दृष्टि से भी इस बजट को हम जो है जीरो कह सकते हैं कि कोई भी उम्मीद जो है लोगों की पूरी होती इस बजट में हिमाचल की दृष्टि से दिख नहीं। और उसी तरह से एक बार बार मुख्यमंत्री जी जिक्र करते हैं चार वर्ष में कि हमारा जो है एक एयरपोर्ट मंडी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते हैं, मुझे लगता है कि 10 बार इसको लेके अपने दिल्ली भी जा चुके हैं इसकी मांग करने, उसका कोई जिक्र इसमें नहीं दिखा। तो हिमाचल की दृष्टि से जो रेलवे का विस्तार था उसका कहीं जिक्र नहीं दिखा। तो हमारे जो मेन क्षेत्र हैं, हम बागवानी की बात करें, जो एक सबसे बड़ी समस्या चल रही है जो एक आयात शुल्क को लेके है, जिसमें जिस प्रकार से अभी मार पड़ी है हिमाचल के बागवानों को कि ईरान के जरिए, ईरान का जो सेब है हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से अफगानिस्तान के जरिए बिना एंट्री के, बिना शुल्क के पहुंच रहा है फ्री ट्रेड के जरिए, उससे लोगों का बहुत बड़ा नुकसान इस प्रदेश के बागवानों का हुआ है। तो उसमें बार बार ये लोगों को सपने दिखाते हैं कि हम इसको 100% करेंगे, शुल्क बढ़ाएंगे और जिससे बाहर का जो सेब है वो नहीं आएगा इस रेट पे, लेकिन उस पर भी सरकार फेल हुई और उस बजट में उसका भी जिक्र नहीं। तो अगर आप हिमाचल की दृष्टि से देखें तो बागवानी के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और पर्यटन के क्षेत्र में, तो हर तरह से हमारे को जो है ये इस बजट से निराशा मिली। जी सर, से हिमाचल देखिए, अगर हम देखें तो बजट एक केवल आंकड़ों का एक मेल जोल हो गया कि आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। बजट के प्रति जो पहले लोगों में एक पूरे देश में एक रुझान होता था, एक आकर्षण होता था कि बजट आएगा और किस वर्ग को क्या मिलेगा और इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी, अब इस बजट में ऐसी कोई स्थिति नहीं रहेगी। पिछले 2-3 सालों में जो भी सरकार बजट के आंकड़े देती है, जो प्राथमिकताएं गिनाती है, अगले बजट में वो कहीं नजर नहीं आती। अगर आप बात करें कि पहले एक दो बजट पहले सरकार ने अपनी एक प्राथमिकता बनाई कि हम 6 करोड़ घर बनाएंगे गरीबों के लिए, आज बताएं इस बजट में कि उन 6 करोड़ घरों का क्या हुआ, वो कितना अचीव हुआ। आज फिर से आंकड़े पेश किए जाते हैं कि 80 लाख घर बना दिए जाएंगे, ये अब बजट में केवल आंकड़ों तक सीमित रह गया कि 60 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की भी कहां मिलेंगे, ये रोजगार किस क्षेत्र में होंगे, सरकारी क्षेत्र में होंगे, प्राइवेट क्षेत्र में होंगे, ये केवल आंकड़ों तक का बजट रह गया। अब लोगों का इसके प्रति इतना रुझान नहीं रहा है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि एक जो है बड़ा निराशाजनक रहा। जिस प्रकार लोगों को आज मदद की जरूरत थी कोरोना के बाद, हर व्यक्ति को, क्योंकि सबकी कमाई घटी है, और आज जो राहत किसी भी वर्ग को इस बजट में नहीं मिली, वो किसान हो, बागवान हो, वो इम्प्लॉयज हो, युवा हो, बेरोजगार हो, हर वर्ग को निराशा ही इस बजट से आज मिली है। तो मैं कह सकता हूं कि ये निराशाजनक बजट आज पेश किया है। क्या मुख्यमंत्री और केंद्रीय बजट जो प्रस्तुत किया फाइनेंस मिनिस्टर ने, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये एक बहुत ही निराशाजनक बजट रहा। किसी भी वर्ग को आप टच कर रहे हैं,
आज देश के अंदर कोरोना के बाद जो सबसे बड़ी गंभीर समस्याएं थी पूरे देश के अंदर, चाहे वो बेरोजगारी की थी और महंगाई की थी, हम समझते हैं इस बजट में जो सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए था वो ये गवर्नमेंट का ही होना चाहिए था, जो लोगों ने कोरोना के दौरान करोड़ों लोगों ने अपने रोजगार खोए और काम धंधे चौपट हुए, कि सबसे पहले बजट के जरिए लोगों की मदद किस तरह से हो सकती थी कि वो अपने काम धंधे द्वारा से शुरू कर सके और लोगों के पास काम हो देश के अंदर, और किस तरह से रोजगार का एक पूरा रोड मैप इस बजट में दिखना चाहिए था कि बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर चुकी है और महंगाई एक सबसे बड़ी समस्या आज पूरी देश की जनता के सामने थी। तो मैं समझता हूं इस दृष्टि से ये पूरी तरह से जो है निराशाजनक आज ये बजट रहा है, क्योंकि इसमें न बेरोजगारी पे एड्रेस किया है और न महंगाई को लेके कोई रोड मैप इस बजट में दिखता है। और किसानों की जो बात बार बार ये जो सरकार है सपने दिखाने वाली बात करती है, हर वर्ग को सपने दिखाती है कि किसानों और बागवानों की जो आय है वो डबल होगी, वो कब होगी, वो कब आएगा वो टाइम, 8 साल से ऊपर समय हो चुका है इस सरकार का, जो इन्होंने 8 साल पहले जो घोषणाएं की थी, जो सपने देश की जनता को दिखाए थे, किसानों को दिखाए थे, किसान 14 महीने तक सड़कों पे बैठे रहे और उनकी कुछ समस्याएं हैं उसको प्रॉपर ढंग से एड्रेस नहीं हो पा रही। तो हमें उम्मीद थी कि इस बजट में कुछ ऐसी दिशा, चाहे वो प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश एक टूरिज्म राज्य है, पर्यटन की दृष्टि से जो नुकसान कोरोना के 2 वर्ष में हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जो रोजगार खोए, जो धंधे खोए, जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई की पूरी उम्मीद थी कि इस बजट में कुछ ऐसी घोषणा हिमाचल प्रदेश के बारे में भी होगी जिससे हमारा जो पर्यटन उद्योग है द्वारा से पट